हेलो व्हाट्सअप गाइज, तो कैसे हैं आप सभी। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आप सभी को इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रीडी के न्यू अपडेट के बारे में बताने वाला हूं एंड न्यू अपडेट की फिक्स डेट भी बताने वाला हूं एंड उसके साथ साथ न्यू अपडेट की सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, वीडियो को स्किप भी बिल्कुल मत करना, फिर आप कहते हो कि मुझको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी निसान GTR कार की, आप सभी को न्यू अपडेट में देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी और आपका ओल्ड हाउस रिमूव होगा कि नहीं होगा, सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पुलिस स्टेशन की। तो पुलिस स्टेशन आप सभी को यहां पर हमारे न्यू हाउस के सामने देखने को मिल जाता है। आप सभी को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आप सभी को न्यू हाउस के बिल्कुल जस्ट सामने ही पुलिस स्टेशन देखने को मिल जाता है एंड पुलिस स्टेशन के अंदर का व्यू भी मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं। एंड बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि भाई पुलिस स्टेशन के अंदर जेल को ऐड करवा दो। तो गाइज क्या आप सभी को पुलिस स्टेशन के अंदर जेल देखने को मिलेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। और बहुत ज्यादा लोगों को डाउट हो रहा था कि भाई इस बार के अपडेट में हमारा ओल्ड हाउस रिमूव हो रहा है कि नहीं, तो गाइज ये भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी का डाउट क्लियर कर देता हूँ कि हमारा ओल्ड हाउस जो है रिमूव होगा कि नहीं होगा। तो मैं आप सभी को सबसे पहले रीजन बता देता हूँ हमारे ओल्ड हाउस को रिमूव करने का। तो गाइज जैसे ही हमारे रोहित भाई ने पुलिस स्टेशन को ऐड किया था तो हमारे ओल्ड हाउस में बहुत ज्यादा से ग्लिचेज आने लग गए थे और गेम का डाटा बहुत ज्यादा से हो गया था, इसलिए रोहित भाई ने गेम का डाटा कम करने के लिए ओल्ड हाउस को रिमूव करने के लिए बोला था। लेकिन अभी तक हमारे रोहित भाई ने ओल्ड हाउस में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया। तो गाइज मैंने वोटिंग डाली थी कि ओल्ड हाउस को रिमूव करना है कि नहीं, तो भाई बहुत ज्यादा से लोगों का कमेंट आया था कि भाई ओल्ड हाउस को रिमूव मत करना। तो गाइज इसलिए हमारे रोहित भाई ने ओल्ड हाउस को रिमूव नहीं किया और गाइज ओल्ड हाउस हमारा रिमूव भी नहीं होना चाहिए क्योंकि सबसे पहले हमारा गेम स्टार्ट होता था तो यहाँ से ही होता था, इस वाले कमरे में से। तो भाई किस किस को ओल्ड हाउस को रिमूव नहीं होने की खुशी हो रही है तो यहाँ पर कमेंट में जरूर से बता देना, आप सभी को खुशी हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए गाइज अब पुलिस स्टेशन के अंदर आप सभी को जेल देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा सा कमेंट किया था कि हमको पुलिस स्टेशन के अंदर जेल चाहिए। तो अगर आप लोगों को इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रीडी के न्यू अपडेट में पुलिस स्टेशन के अंदर जेल चाहिए तो आप सभी को इस वीडियो के नीचे बहुत ज्यादा सा कमेंट कर देना, हमारे रोहित भाई जरूर से ऐड कर देंगे हमारी जेल को। तो चलिए गाइज अब बात कर लेते हैं हमारी निसान GTR कार की। तो गाइज हमारी निसान GTR को गेम में ऐड करके बहुत ज्यादा सा गेम में ग्लिचेस आ रहे थे, इसलिए भाई रोहित भाई ने हमारी गेम में से निसान GTR कार को रिमूव कर दिया। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे तो निसान GTR कार के लिए तो आप सभी को इससे नेक्स्ट वाले अपडेट में आप सभी को निसान GTR कार इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्रीडी के न्यू अपडेट में जरूर से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब हमारी जो पुलिस स्टेशन के अंदर पार्किंग है उसके अंदर कार खड़ी करके देखते हैं हमारी कैसी लगती है, हमारा पुलिस स्टेशन कैसा लगता है। तो यहाँ पर हम 101 डायल करके पुलिस SUV कार को स्पाउन करा लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा पुलिस स्टेशन कैसा लगता है। और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर पुलिस पार्किंग को भर दिया है और यहाँ पर देखिए हमारी लास्ट कार आ चुकी है, इधर भी हम यहाँ पर अपनी कार खड़ी करने वाले हैं 101 वाली कार। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी पार्किंग के अंदर पुलिस SUV कार कितनी अच्छी लग रही है जिन्हें हमने स्पाउन कराया एंड इधर की ओर भी हम अपनी कार्स को खड़ा करने वाले हैं और फिर देखते हैं हमारा पुलिस स्टेशन कैसा लगता है। और हाँ गाइस एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बता दूं, जैसे हम यहाँ पर पुलिस कार को स्पाउन करा लेते हैं तो उसका सायरन बहुत ज्यादा सा हल्ला करता है और अब की बार के अपडेट में आप सभी को RGS टूल में एक ऐसा फंक्शन मिलेगा कि जिससे आप अपनी पुलिस कार का सायरन ऑफ भी कर सकते हो, उसकी मैं आप सभी को बता दूंगा क्योंकि टेक्स्ट आप सभी को डायल करना होगा। तो चलिए अब इधर की ओर भी हम अपनी पुलिस कार्स को खड़ा कर लेते हैं 101 वाली कार को। तो हमने यहाँ पर स्पाउन कराना, एक एक स्पाउन करा लिया हमने अपनी कार यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा सा ऑसम भी लग रही है हमारी यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने पुलिस स्टेशन के सामने भी बिल्कुल यहाँ पर कार को स्पाउन करा लिया, इधर की साइड भी हमारी कार्स हो चुके हैं और उधर की साइड भी हमारी कार्स खड़ी हो चुकी है और भाई उधर की साइड अभी तक रह गई है तो उसको भी भर देते हैं जल्दी से, फिर देखते हैं कि हमारा पुलिस स्टेशन कितना ज्यादा ऑसम लगता है। तो गाइज इधर की साइड भी हमारी पार्किंग है, इधर की साइड भी हम यहाँ पर 101 वाली कार को खड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाइन वाइज पूरी कार खड़ी कर दी है और अब यहाँ पर देख लीजिए हमारा पुलिस स्टेशन कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है और देखने में बहुत ज्यादा से अच्छा लग रहा है और बहुत ज्यादा सा ऑसम लग रहा है। हमने यहाँ पर चारों तरफ अपनी यहाँ पर पुलिस SUV कार को खड़े कर दिया और यहाँ पर बहुत ज्यादा सा ऑसम भी लग रहा है हमारा पुलिस स्टेशन। और हाँ गाइस कमेंट में जरूर से बता देना आप सभी को पुलिस स्टेशन के सामने कौन सी कार खड़ी हुई चाहिए, तो आप सभी को यहाँ पर 100 वाली कार चाहिए कि 101 वाली कार चाहिए, तो गाइस कमेंट करके जरूर से बता देना। जिसके लिए भी ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होगी वही कार आप सभी को पुलिस स्टेशन के सामने न्यू अपडेट में जैसे ही आप यहाँ पर अपने गेम में आते हो तो यहाँ पर बहुत सारी कार खड़ी हुई देखने को मिल जाएगी और जिस कार के लिए वोटिंग करोगे वही वाली आपका पुलिस स्टेशन के सामने यहाँ पर खड़ी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइज मैं आप सभी को न्यू अपडेट की इन फिक्स डेट बता देता हूँ। तो गाइज अभी आप बेमतलब के परेशान मत हो, अभी हमारा अपडेट आने में बहुत ज्यादा सा टाइम है तो आप सभी को 5 फरवरी के बाद ही अपडेट देखने को मिलेगा या फिर आपको 5 फरवरी में अपडेट देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही हमारा अपडेट आएगा तो मैं आप सभी को वीडियो बना के तुरंत बता दूंगा, हमारी वीडियो में आप सभी को JCB का चिट कोड भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइज इसके लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट करना होगा। तो गाइज अब बात कर लेते हैं हमारी निसान GTR कार की। तो गाइज हमारी निसान GTR
थारियर कार तो हमारी इंडियन बाइक ड्राइव थ्री के न्यू अपडेट में ऐड नहीं हो पाई, तो उसके बदले आप सभी को न्यू थारियर कोई न्यू कार भी आप सभी को देखने को मिल सकती है, जिसके लिए आप लोग कमेंट करोगे। तो गाइज आप लोग की बहुत ज्यादा से कमेंट आई थी कि हमारे यहाँ पर इंडियन बाइक ड्राइव थ्री के अंदर लोकेशन का अपडेट आना चाहिए, जो हमारा मैप है इंडियन बाइक ड्राइव थ्री का उसकी आप सभी को लोकेशन चाहिए, तो उसका GPS आप सभी को इंडियन बाइक ड्राइव थ्री के न्यू अपडेट में देखने को मिल जाएगा। और हाँ गाइज कमेंट करके जरूर से बता देना आप सभी को वीडियो कैसी लगी एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में भी जरूर से बता देना कमेंट करके। तो गाइज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज तब तक के लिए जय श्री राम।